रोज वैली चिटफंड घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के दो सांसदों की गिरफ्तारी के बाद भी तूफान थमा नहीं है और अब इस घोटाले में आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर का नाम भी सामने आ रहा है। जांच में सीबीआई को मिली जानकारी के अनुसार रोज वैली और अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री जूही चावला के मालिकाना हक वाले केकेआर के बीच एक समझौता हुआ था। वहीं 2014 से पहले केकेआर टीम के खिलाड़ी जो जर्सी पहनते थे उस पर रोज वैली का लोगो इस्तेमाल होता था। दोनों के बीच एक बड़ा आर्थिक लेन देन भी हुआ था। खबरों के अनुसार इस समझौते से पहले एक बैठक हुई थी जिसमें किसी प्रभावशाली व्यक्ति के शामिल होने की बात सामने आ रही है और अब सीबीआई उस व्यक्ति का पता लगाने में जुटी है। आपको बता दें कि रोज वैली ग्रुप कोलकाता नाइट राइडर्स का को स्पॉन्सर था। वह इस घोटाले में पहले ही तृणमूल कांग्रेस के सांसद तापस पाल और सुदीप बंदोपाध्याय को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है और इस घोटाले की जांच की जा रही है। तो रोज वैली घोटाले में सीबीआई को एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही है और अब इस घोटाले में केकेआर का नाम भी शामिल हो गया है। अभी इस घोटाले में और कितनी परतें खुलती है ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।